वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर Vivo V21e और Y73 का गिव अवे लाइव है। अगर आप नए और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट कर लीजिए, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Realme GT OnePlus 9R, यहाँ पर दोस्तों लगभग सेम पैसा देने पर आपको फीचर्स के अंदर काफी फर्क मिलता है। चाहे आपसे बात कर लो ना बिल्ड क्वालिटी की, परफॉर्मेंस की और कैमरा की, तो आप बात ही मत कीजिए, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आपको कौन सा लेना है, विद रीजन विद माय ओपिनियन, आइए जान लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मेरा नाम है दीपक और इंडिया में Realme ने लॉन्च किया है अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Realme GT। ये दोस्तों अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो स्पेसिफिकेशंस है, जो फीचर है, जो प्राइस सेगमेंट है, उसके हिसाब से मार्केट में बहुत ही तकड़ा कॉम्पिटिशन करने वाला है। लेकिन दोस्तों मार्केट में जो पहले से अपनी जगह बना के बैठे हैं, जैसे कि OnePlus 9R, ये भी लगभग सेम प्राइस सेगमेंट में आते हैं और बहुत ही तकड़ा कॉम्पीट करने वाले हैं दोनों स्मार्टफोन। तो आज के वीडियो में दोस्तों कंप्लीट कंपेयर करेंगे Realme GT और OnePlus 9R का, और मैं आपको अपना एक पर्सनल ओपिनियन बताने वाला हूं बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, सभी कुछ के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। ऐसे ही अनबॉक्सिंग कंपैरिजन वीडियो को देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। Realme GT ये थोड़ा हैवियर साइड है, 188 ग्राम का मिलता है। पीछे आपको यहां पर लेदर फिनिशिंग मिलती है, 100% वैगन लेदर, बहुत ही कमाल। लेकिन यहां पर कमी क्या है कि यहां पर आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें हैं 9R की, ये भी हैवियर साइड है, 191 ग्राम का मेटल फ्रेम है और पीछे आपको ग्लास मिलता है, ठीक है। तो वहां पर क्या था, देखिए दोनों ही भारी है, 188 ग्राम 191 ग्राम, पीछे वहां पर आपको लेदर मिलता है, यहां पर ग्लास मिलता है, वो अपनी एक पर्सनल चॉइस हो सकती है। लेकिन फ्रेम के मामले में 9R आगे निकल जाता है, क्योंकि जो फ्रेम है दोस्तों वो काफी ज्यादा मायने रखता है। एक तरह से पूरी जो है स्ट्रक्चर की जो चेसिस है ना, वो फ्रेम पर डिपेंड करती है। तो हाँ, बिल्ड क्वालिटी के अंदर 9R के पास में प्लस पॉइंट है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। Realme GT एक कॉम्पैक्ट साइज आता है, 6.43 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ज के साथ में रिफ्रेश रेट है, 360 हर्ज की टच सैंपलिंग रेट है, 1000 नीट्स की ब्राइटनेस पीक है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, सभी कुछ आपको मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें हैं 9R की, इसकी डिस्प्ले दोस्तों अलग ही लेवल देती है। क्यों, वो मैं बताऊंगा क्यों। साइज है इसका 6.55 इंच की फुल HD प्लस, फ्लूइड एमोलेड की डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, प्रोटेक्शन है गोरिल्ला ग्लास की, वो सभी फीचर एक जैसे हैं। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो हाँ, दोनों फोन की डिस्प्ले काफी ज्यादा प्रीमियम और बिल्कुल सेम है, साइज का फर्क है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक गेमिंग करते हो ना, तो देखिए आपको 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट एक बेहतर क्वालिटी दे देती है, लेकिन जो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, ब्लैक्स दिखते हैं, वो आपको क्वालिटी OnePlus की फ्लूइड एमोलेड में मिलती है। तो ये है यहां पर डिफरेंस दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले का। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, प्रोसेसर के बारे में। Realme GT ए फ्लैगशिप स्मार्टफोन विद फ्लैगशिप प्रोसेसर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888, 5G है, सीधी सी बात है, 6nm फैब्रिकेशन पे आता है, दो वेरिएंट है, 8128 12256GB की, LPDDR5 रैम, UFS 3.1 के साथ में, और एंटीट्यू स्कोर दोस्तों हाईएस्ट आता है यहाँ पे, मतलब ज्यादा आता है यहाँ पे 7,40,000 के आसपास का, जो कि अपने आप में एक फ्लैगशिप लेवल रखता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं 9R की, यहां पर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 870। ये दोस्तों जो प्रोसेसर है ना, वो 3.2 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक कर सकता है। यहां पर भी दो वेरिएंट है, 8GB 128GB 12256GB के, LPDDR5 रैम, UFS 3.1 के साथ में, एंटीट्यू स्कोर 6,60,000 का। ये तो हो गई ऑन पेपर बातें, रियल लाइफ की बात करें दोस्तों तो वैसे है ना, देखिए नॉर्मल यूजर्स के अंदर, डेली टू डेली लाइफ के अंदर, गेमिंग वगैरह के अंदर, दोनों स्मार्टफोन आपको बेहतर क्वालिटी देते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर हैं, अगर आप हैवी यूज करते हैं, तो फिर आपके लिए स्नैपड्रैगन 888 वहां पर एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करते हैं, आपको जो है ना मतलब डेली टू डेली लाइफ इतना ज्यादा यूज नहीं है, आप गेमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, प्लस यहां पर दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि दोनों ही आपको प्रीमियम क्वालिटी देंगे। अगर आप
गेमर और एक हैवी यूजर हैं तो फिर आप रियलमी GT लीजिए, अदरवाइज आप 9R ले सकते हैं। लेकिन यहां पर कैमरा का फर्क पड़ेगा। अब कैमरा में दोस्तों क्या फर्क पड़ेगा वो जान लीजिए। अगर हम बात करते हैं कैमरा की रियलमी GT में, तो ये एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, अमेजन पे जाइए, गूगल कीजिए, आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। Realme GT ने इसको जो है ना सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के हिसाब से बूस्टअप किया है, कैमरा के हिसाब से नहीं। 64 मेगापिक्सल्स का सेंसर मिलता है, 8 का अल्ट्रावाइड, 2 का मैक्रो, 16 का सेल्फी कैमरा, जो कि आपको एक ठीक ठाक क्वालिटी देता है। मैंने जहां तक चेक किया ना, आपको थोड़ा सा येलो सी फोटो मिलती है, येलोइश या फिर ब्राउनिश सी फोटो आपको वहां पर मिल सकती है कुछ कंडीशंस के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें हैं 9R की, यहां पर दोस्तों फ्लैगशिप कैमरा सेंसर है 48 मेगापिक्सल्स का, सोनी IMX586, 16 का अल्ट्रावाइड। देखिए कम से कम 16 का अल्ट्रावाइड होना तब जाके बात बनती है। आपको जो मिलते हैं ना 8K 5K वो दोस्तों किसी काम के नहीं होते हैं। और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल्स का, यहां पर भी सोनी का सेंसर है IMX471, जो कि आपको वीडियोग्राफी काफी हद तक बेटर देता है, फोटोग्राफी काफी हद तक बेटर देता है। अब हम बात करते हैं कंबाइन, अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करते हो, आपको कैमरा क्वालिटी से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर आप Realme GT ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको गेमिंग के साथ साथ एक फ्लैगशिप लेवल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी चाहिए, तो फिर दोस्तों OnePlus 9R आपके लिए यहाँ पर एक बेस्ट चॉइस होने वाला है। एक और चीज़, यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट मिलता है। वीडियोग्राफी वाले बंदे समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का कितना ज़्यादा महत्व होता है किसी भी वीडियो को शूट करने में। अगर हम बात कर रहे हैं बैटरी की, तो दोनों में सेम है दोस्तों, 4500 एमएच की बैटरी, 65 वॉट की चार्जिंग, और लगभग आधे घंटे में आपका फोन पूरा चार्ज हो जाता है। प्राइस सेगमेंट की बात करूं तो Realme GT की जो दो वेरिएंट है आपको मिलते हैं 38,000 रुपए और 42,000 रुपए में, और 9R आपको मिलता है 40,000 और 44,000 रुपए के अंदर, 40,000 and 44,000 रुपीज में। यानी कि 2,000 रुपए महंगा पड़ता है आपको 9R और 2,000 रुपए सस्ता मिलता है GT। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की दोनों स्मार्टफोन को देखते हुए, और ये ध्यान में रखते हुए कि जो 9R है ये 2,000 रुपए महंगा है, क्या जस्टिफाई करता है। बिल्ड क्वालिटी दोनों की सेम है, लेकिन प्लस पॉइंट है यहां पर मेटल फ्रेम मिलता है, एल्युमिनियम फ्रेम आपको यहां पे मिलता है। डिस्प्ले की बात करें दोनों की सेम है, लेकिन दोस्तों OnePlus की डिस्प्ले यहां पर आपको प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं देती है। एक नॉर्मल यूजर को शायद समझ में ना आए, लेकिन एक प्रोफेशनल को समझ में आ जाएगा कि ब्लैक्स दिखने का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी डेली लाइफ में। परफॉर्मेंस और कैमरा का कंबाइन बात करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गेमिंग चाहिए तो फिर Realme GT, वहां पर आप कैमरा से उम्मीद मत रखिएगा। लेकिन परफॉर्मेंस के साथ साथ गेमिंग के साथ साथ अगर आपको कैमरा क्वालिटी भी फ्लैगशिप चाहिए, तो फिर आपके लिए दोस्तों 9R यहां पर एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब ऐसे में ना 2,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा के एक तो मुझे ब्रांड वैल्यू मिल रही है, उसके बाद में मुझे यहां पर डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस और कैमरा मेन हाईलाइट लूंगा मैं यहां पे, आपको बेटर मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे स्मार्टफोन लेना होगा तो मैं तो दोस्तों यहां पर Realme GT को स्किप करना चाहूंगा। 9R मेरे हिसाब से यहां पर एक बेस्ट चॉइस रहेगी। और राइट दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आप दोनों में अंतर समझ के अपना एक ड्रीम स्मार्टफोन ले पाएं। अगर अभी भी आपके कोई सवाल, सुझाव, फीडबैक रह गए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो पसंद आती है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए अपनी मन की बातें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।